हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू सावजी स्पेशल चैनल। आज हम बनाएंगे सावजी स्टाइल देसी चिकन करी बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आपको चिकन खाना पसंद है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए मज़ेदार चिकन करी की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हमें लेना है एक चम्मच तेल, एक मोटा कटा हुआ बड़ा प्याज, एक चम्मच जीरा, दो चम्मच खड़ा धनिया, 6 लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी, सूखे नारियल के टुकड़े, 5 छिली हुई बड़ी इलायची के दाने, 3 छोटी इलायची, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 तेज पत्ते, 1/2 टीस्पून भुना चना। इन सारे मसालों को हमें अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट मीडियम आंच पर भून लेना है। भुनने के बाद हमारे मसाले इस तरह दिखेंगे। इसे हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने पर हम सारे मसालों को मिक्सर में पीस लेंगे। नागपुर स्टाइल सावजी चिकन बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 kg भुना हुआ देसी चिकन। भुने हुए चिकन के कारण हमारी चिकन करी बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप देसी चिकन की जगह बॉयलर चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं नागपुर स्टाइल चिकन करी। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम लेंगे 6 टीस्पून तेल। तेल गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे 4 तेज पत्ता, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया। इन सभी को प्याज के सुनहरा होने तक भुनेंगे। प्याज सुनहरा होने पर इसमें हमें 3 छोटे चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डालकर 2 से 3 मिनट तक भुनना है। अच्छी तरह भुनने के बाद पहले से पीसा हुआ मसाला इसमें डालकर मसालों के तेल छूटने तक इसे भुनेंगे। मसालों के तेल छोड़ने के बाद हम इसमें 3 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर डालकर मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर इसे ढककर रख देंगे। 3 मिनट बाद अगर भूनते समय मसाला बर्तन में लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर मिक्स कर लीजिए और फिर से 2 से 3 मिनट तक पकने दें। हमारा मसाला भुनकर रेडी है। इसमें हम ऐड करेंगे धोया हुआ साफ चिकन। इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह मिक्स होने के बाद इसे 5 से 6 मिनट धीमी आँच पर ढककर रख देंगे। तब तक हम 2 ग्लास पानी गर्म करके रेडी कर लेंगे। लगभग 6 मिनट बाद चिकन को एक बार और मिक्स कर लेंगे और इसमें 1.5 ग्लास गर्म किया हुआ पानी ऐड करेंगे। गर्म पानी से चिकन का फ्लेवर और कलर दोनों ही अच्छी तरह बैलेंस रहते हैं। इसे धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट तक ढककर पकने दें। लगभग 15 मिनट बाद चिकन अच्छी तरह पक गया है। अब इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। लीजिए, हमारा नागपुर स्टाइल सावजी चिकन रेडी है। इसे आप गर्मा गर्म रोटी और चावल के साथ खाइए और खिलाइए। नागपुर स्टाइल सावजी चिकन घर पर ज़रूर बनाइए और रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।